सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय पुलकित सर पर तो दोस्तों आज तो एल आई के भी रिजल्ट आ चुके हैं तो 23 तारीख को एग्जाम है दोस्तों तो ताबड़तोड़ तैयारी उसकी भी होनी है एस 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 भी दोस्तों यानी अब तो दोस्तों एग्जामिनेशन एकदम नजदीक आ चुके हैं हम लोगों के और दोस्तों बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आए हैं जिसमें जीए करेंट अफेयर इन सब के वेटेज बहुत ज्यादा है जैसे कि एस एस में जैसे कि दोस्तों एल आई एडीओ में 120 नंबर दो दो पेपर हैं जीए के ठीक है क्लियर है याद रहेगा क्या बात है बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो चलिए दोस्तों ये तो बहुत बढ़िया जो है हम लोगों ने यहां पे आ, सीरीज शुरू कर रखी है कि भाई इस चैनल पे हम लोग यहाँ पे जनवरी कर रहे हैं कंप्लीट और दोस्तों जो है जीए ए बाई सर चैनल पे मैं जो है मार्च कंप्लीट करा रहा हूं रात को नौ बजे सुबह छह बजे डेली करंट अफेयर चल ही रहा है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आप एल आई सी ए वालों को अगर फिनेंशियल अवेयरनेस की तैयारी करनी है तो ये फिफ्टी एट लेक्चर्स हैं दोस्तों जिस जो गेम चेंजर बैच के यूट्यूब पे अवेलेबल है जी ए बाई प्यूसर चैनल पे इसे आप लोग देख के अपने साठ नंबर सिक्योर कर सकते हैं बाकी डेली करंट अफेयर की क्लास सुबह छः बजे होती है ये तो आपको हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगी बाकी जी के जी एस की क्लास मेरी शाम को छः बजे होती है जिसमें हम लोग बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का और उन टॉपिक्स का पोस्टमार्टम करते हैं एक प्रश्न उठाते हैं और वहां से जितने भी चीजें हो सकती हैं उससे रिलेटेड उस पर हम लोग बात करते हैं उसका पोस्टमार्टम करते हैं ठीक है क्लियर है फिनेंशियल करेंट अफेयर और इंश्योरेंस अवेयरनेस इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है तो भैया ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसे आप लोग कर डालिए ठीक है थीके? इसकी भी तीस क्लासेस प्लेलिस्ट पे है जीए बाई प्यूसर चैनल पे ठीक है जीए भाई प्यूसर चैनल पे ये भी अवेलेबल है तो भैया सब कुछ बेस्ट टू हंड्रेड में मार्च करा रहा हूं रात को नौ बजे ये क्लास हो रही है तो दोस्तों सारी चीजें जो है ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग कर रहे हैं अब ये बताइए लास्ट क्लास में हम लोग ने ये क्वेश्चन कर लिया था एक बार थोड़ा लास्ट क्लास का मुझे हिंट दीजिए आप लोग एक बार ये हम लोग ने कर लिया था स्पेस ये जो स्पेस किड्स ने आजादी सेट सेटेलाइट बनाया था जिससे पचहत्तर स्कूलों के दस दस लड़कियां हर स्कूल से आई थी साढ़े सात सौ लड़कियों ने इस सेटेलाइट को डेवलप किया था क्यों ये वाला क्वेश्चन हो गया था प्रवासी भारतीय दिवस में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंदिका प्रसाद सतोखी जो है मुख्य जो है ये थे तुम्हारे गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट थे गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ये हो चुका था ओके 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 वेरी गुड भैया बहुत अच्छा एस्पिरेशनल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कितने जिलों को कवर करता है ये 500 जिलों को कवर करता है ये हो गया था हम लोग का ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों वीर गार्जियन एक्सरसाइज वीर गार्जियन एक्सरसाइज ये शायद नहीं हुआ था क्या ये नहीं हुआ था ना एक बार तुम लोग चेक करके बताना ये नहीं हुआ था ना तो यहां से हम लोग को करना है अच्छा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो योजना है वो 112 जिलों की है और एस्पिरेशनल ब्लॉक वाली जो योजना है मेरे भाई वो 500 सौ जिलों को कवर करेगी ये आप लोग पढ़ लेना ठीक है ये आप लोग जान लेना ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया तो दोस्तों वीर गार्जियन एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और दोस्तों किसके बीच में हुई थी जापान के बीच में ठीक है धर्मयुद्ध गार्जियन भी इसके बीच में ही होती है दोस्तों यहां पर जो है एक लड़की दिखाई दे रही है आपको एक लड़की दिखाई दे रही है दोस्तों पहली बार कोई लड़ाकू विमान की लड़की पायलट लेडीज पायलट दोस्तों विदेश में जाकर के किसी एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही है पहली बार इस लड़की का नाम है अवनी चतुर्वेदी क्या नाम है मेरे भाई फटाफट बताओ क्या नाम है अवनी दिख रहा है अवनी चतुर्वेदी दोस्तों यही है भारत की पहली पायलट जिसने लड़ाकू विमान को अकेले चलाया था हम लोग तीन चार साल से इनका नाम सुन रहे हैं अवनी चतुर्वेदी का ये कोई नया नाम नहीं है ओके क्लियर है तो अवनी चतुर्वेदी ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष भारत के लिए भारत के से से तो लिए रहे थे जहां के बाद प्रधानमंत्री भी भारत आए थे इनके एक प्रधानमंत्री थे सिंजो आबे जिनका निधन हो गया था पिछले बार गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों उन्होंने हमारे देश में बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट के लिए बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से दोस्तों मुंबई के लिए उन्होंने पास कराया था रुद्राज कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में दोस्तों ओपन किया था जेन पार्क काइजन अकेडमी अहमदाबाद में ओपन किया था दोस्तों ठीक है तो याद रखिए टोकियो उसकी कैपिटल है और येन उसकी करेंसी है और टोक्यो को छोड़ने के लिए वन मिलियन येन दोस्तों हर प्रति बच्चे को दिया जा रहा है कि टोक्यो छोड़ के चले जाओ क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत बढ़ गई है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों जो है ये पांचवा सबसे गर्म रहा है ठीक है 1901 के बाद से 2022 पांचवा पांचवां सबसे गर्म साल रहा है दोस्तों 1901 के बाद से जो है अगर अभी तक का इतिहास देखा जाए तो ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों भारतीय रेलवे ने हाल ही में भारतीय लोकोमोटिव गतिशीलता को कब तक दोस्तों जो है बदल करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चला दी जाएगी दोस्तों पूरी न्यूज मैं बताता हूं जर्मनी ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई ठीक है जर्मनी ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई दोस्तों इसके बाद चाइना ने भी अभी चला दी जर्मनी ने दुनिया की पहली चलाई चाइना ने, ने एशिया की पहली चलाई हमारे यहाँ भी हाइड्रोजन थे देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के लिए मैंने कहा था उन्नीस करोड़ रुपए दिए गए हाइड्रोजन से ईंधन को दोस्तों जो है कन्वर्ट किया जाएगा का हाइड्रोजन का हाँ कार भी आई थी दोस्तों पिछले साल टोयोटा मिराई जिसको नितिन गडकरी जी संसद भवन तक लेके आए थे तो दोस्तों हाइड्रोजन से चलने लगेंगी चीजें तो पेट्रोल डीजल पे एक तो डिपेंडेंसी कम होगी दूसरा पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन यहां पे भी दोस्तों शुरू की जा रही है लेकिन 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 दोस्तों जो है ये दिसंबर 2023 तक दोस्तों शुरू होगी और ये नैनोगेज हेरिटेज लाइन पर चलेगी नैनो गेज हेरिटेज लाइन मतलब क्या होता है हम लोग की जो नॉर्मल ट्रेन है वो ब्रॉडगेज वाली है नैनोगेज मतलब होता है पतली पटरी वाली यानी कि जो पर्वतीय इलाकों में चलती है इसीलिए हेरिटेज कहा जा रहा है क्योंकि वो सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दोस्तों शुमार हैं क्योंकि बहुत पुरानी है ये ट्रॉय ट्रेन है धीरे तो धीरे चलती है पहाड़ों पे और ऐसे पहाड़ पे इतने कर्व है कि बड़ी वाली ट्रेन तो मुड़ी नहीं पाएगी तो दोस्तों ये उस जगह पर चलेगी ठीक है हाइड्रोजन ट्रेन भारत की पहली जो है नैनो गेज पर चलेगी दोस्तों वो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर चले गए और उसके पोल्यूशन पॉल्यूशन को वैसे भी वो सब ग्लेशियर वाली जगह हैं वहाँ पे पॉल्यूशन कम हो तो और अच्छा ही है है कि नहीं तो वहाँ पर दोस्तों पहले इसे चलाया जाएगा ओके चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष दो के लिए दोस्तों किस जगह के अस्का पुलिस स्टेशन को देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक चुना गया है दोस्तों देश के जो है तीन पुलिस स्टेशन बेस्ट चुने गए हैं उसमें दोस्तों जो अस्का पुलिस स्टेशन है वो कहां का है फटाफट बताइएगा ठीक है ये कहाँ की ट्रेन है अरे पुलिस स्टेशन है दोस्तों बेस्ट पुलिस स्टेशन भारत का कौन है तो दोस्तों ये आपको याद रखना है ठीक है उड़ीसा की है उड़ीसा की है दोस्तों उसे आपको याद रखना है ठीक है उड़ीसा के गंजम जिले का अस्का पुलिस स्टेशन जो है देश के तीन पुलिस स्टेशनों में से दोस्तों एक चुना गया है एक चुना गया ठीक है क्लियर याद रहेगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया तो दोस्तों अरवाल जो विमेन पुलिस स्टेशन है महिला पुलिस स्टेशन है बिहार का यह भी दोस्तों अरवल महिला पुलिस स्टेशन ये भी दोस्तों दोस्तो जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन में चुना गया है ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया उड़ीसा के गंजम जिले का अस्का है दोस्तों और एक उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा पुलिस स्टेशन भी है तो ये तीन पुलिस स्टेशन है दोस्तों जो कि टॉप में चुने गए बिहार का अरवल उड़ीसा का अस्का और उत्तराखंड का बनबसा ठीक है इसे याद रहेगा कि नहीं तुम लोगों को चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त ओके ये सब देश के बेस्ट पुलिस स्टेशन है इसको याद रखिएगा ओके कुंदन कह रहे बिहार से अलग हुआ था बिहार से अलग नहीं हुआ अलग हुआ था बंगाल से अलग हुआ था उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था बिहार भी बंगाल से अलग हुआ था बंगाल से बिहार अलग हुआ था 12 मार्च 1922 को और उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को इसलिए वो अपना स्थापना दिवस उसी दिन बनाते हैं यूपी अपना स्टेटहुड डे 24 जनवरी 1950 को मनाता है अपना स्थापना दिवस ठीक है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था वो ट्राइबल प्राइड डे भगवान बिरसा मुंडा का बर्थडे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार दिव्या कैरी सर उड़ीसा के तीन जिलों में गोल्ड रिजर्व पाया गया था क्योंझार में देवगढ़ में और मयूरभंज में वेरी गुड वेरी गुड दिव्या मयूरभंज और लद्दाख टाइम्स मैगजीन के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में अभी चुने गए हैं यही उड़ीसा का मयूरभंज चुना गया है ठीक है चलो वेरी गुड दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे बन गया है भार, रे, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड यानी कि दोस्तों ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल यहाँ पे दोस्तों चल रहे हैं ये कौन सा ए, जो है दोस्तों खंड है तो ये याद रखिएगा दोस्तों ये गाजियाबाद से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन है अब आप सोचोगे ये कौन सा सेक्शन है गाजियाबाद से लेके दोस्तों वाराणसी के पास एक जगह है मुग़ल सराय स्टेशन जो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड माना जाता है ट्रेन बदलने के लिए बहुत सारी राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से जाती हैं यूपी बिहार वालों के लिए ट्रेन बदलने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दोस्तों यही है ठीक है बहुत ज़्यादा ट्रेन यहाँ जाती है एक तो कानपुर से जाती है एक यहाँ से जाती है इसी मुग़ल सराय स्टेशन से दिल्ली से इसी दिल्ली से बिहार जा रहे थे दीनदयाल उपाध्याय जिनको मार के यहां से फेंक दिया गया था इसलिए इस स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है सेक्शन रखा गया है ठीक है क्लियर है तो ये उसकी बात हो रही है ओके चलो बहुत बढ़िया शानदार दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे दोस्तों 25 सितंबर को मनाते हैं अंत्योदय दिवस के रूप में दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों कांडला में है जो भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात में है ठीक है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी चलती है जिसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप आ, को लोन देने के लिए दोस्तों रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एच बैंक को अवार्ड भी दिया था विज्ञान भवन में ओके चलो दोस्तों स्टेशन के नाम बदलने की बात हो रही है तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन मुंबई का जो बदला गया उसका नाम सी देशमुख के ऊपर मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के दोस्तों जो है बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मी बाई के नाम पर रखा गया ताभी रेलवे स्टेशन पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर का नाम रखा गया भोपाल के दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम ठीक है याद रहेगा चलिए वेरी गुड दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों जैन समुदाय का जो पवित्र स्थल है ना उसको गवर्नमेंट जो है टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर रही थी सारे जैनी दोस्तों जो है वो बवाल करने लगे कि ये हमारा पवित्र स्थल है इसको टूरिस्ट प्लेस मत बनाइए वरना लोग आके यहाँ गंदगी करेंगे तो भैया ये पवित्र स्थल है यहाँ पे आप जो है टूरिस्ट स्थल मत बनाइए इसको तो दोस्तों जो है अभी ये चर्चा में भी था तो ये झारखंड में स्थित है ठीक है क्लियर है तो ये दोस्तों जो है याद रखिएगा जैनियों का जो है पूरा सम्मान भी मोदी जी करते हैं अभी दोस्तों जैनियों के लिए अजीतनाथ टेंपल टेम्पल से लेके जैनियों के दिलवारा टेम्पल तक यानी गुजरात से लेके राजस्थान तक दोस्तों एक नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जिसमें दोस्तों जो है अजीतनाथ से लेकर के बीच में अंबाजी पड़ेगा और उसके बाद माउंट आबू तक वो जाएगा यानी जहाँ जैनियों का दिलवारा मंदिर है ये भी स्टडिक जीके का क्वेश्चन है कि माउंट आबू में जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर है क्वेश्चन आता है जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है तो माउंट आबू राजस्थान में ओके okay? क्लियर है याद रहेगा दिव्या करी झारखंड के बारे में सर इसको नोटोबेको अवार्ड मिला था वर्ल्ड नोट अवार्ड मिला था इकतीस मई को दोस्तों नोट डे मनाते हैं एंटी टोबेको डे मनाते हैं वेरी गुड दोस्तों देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% परसेंट की कमी दर्ज की गई है तो दोस्तों जो है यहां पे बहुत तगड़ी कमी हुई है 98% परसेंट यह बीमारी खत्म हो गई है अब बहुत नाम मात्र का दोस्तों जो है कि यह बीमारी बची है कालाजार कालाजार बीमारी है ये जो है दोस्तों जो है बची हुई है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2007 तक 44,500 केसेस थे लेकिन अब जो है दोस्तों जो है 834 केसेस मात्र यहां पे जो है हैं तो दोस्तों इस तरीके से देखिए तो बहुत तेजी से कम हुआ है ठीक है ह्यूज डिक्लाइन दोस्तों तो काला अजर का अंत दोस्तों कब तक करने का सरकार का लक्ष्य है 2023 में पूरी तरीके से इस बीमारी को खत्म कर दिया जाएगा टीबी को 2025 तक का टारगेट लेके चल ले दुनिया 2030 तक का लेके चल रही है भारत 2025 तक का लेके चला टीबी डे हम लोग 24 मार्च को अभी मनाए थे पिछले महीने और वर्ल्ड टीबी सम्मिट वाराणसी में मोदी जी ने दोस्तों जो है इस सम्मिट का आयोजन भी किया था टीबी की खोज एक माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस की खोज दोस्तों की थी रॉबर्ट कोच ने सन सो में इसी 24 मार्च को जिसकी वजह से हम लोग टीबी डे मनाते हैं ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो ये याद रखना है हम लोग को ठीक है क्लियर है दोस्तों जैसे कि आधार कार्ड हम लोगों का है वैसे ही आईआईटी आई बेंगलोर के जो है रिसर्चर्स ने एक मोसीब प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे फिलीपींस की सत्तर मिलियन नागरिकों की दोस्तों फिंगरप्रिंट और रेटिना वाला सर्विस दिया जा रहा है जैसे कि आधार हमारे यहां है वैसे ही आई आई बेंगलोर दोस्तों मोसिप नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कई देशों को सर्विस दे रहा है कि आधार जैसा उनका आइडेंटिटी कार्ड वाला जो है सर्विस आईआईटी आई बेंगलोर का यह मोसिप प्लेटफॉर्म दे रहा है ठीक है तो ये मोसिप का नाम याद रखिएगा मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म ठीक है तो दोस्तों जो है यहां पे देखा जाए तो नौ देशों के साथ दोस्तों मोसिफ काम कर रहा है ठीक है दोस्तों इंडियन टीम की जो अभी जो किलर जींस जो आता है वो कपड़ों की स्पॉन्सर होगी वैसे तो बाईजूज है लेकिन अपेरल एप, स्पॉन्सर जो है वो किलर है दोस्तों कल जो है एक ऐतिहासिक मैच हुआ दोस्तों रिंकू सिंह रिंकू खान चंद सिंह की बायोग्राफी आज मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स में बताई है जीए बाई प्यूर्स से चैनल पे दोस्तों और कितने गरीब बैकग्राउंड का लड़का सिलेंडर ढोलने वाला लड़के का लड़का दोस्तों किस तरीके से झाड़ू पोछा कोचिंग में करने वाला लड़का नवी फेल लड़का पांच बॉल पे अट्ठाईस रन चाहिए था एक लास्ट बॉल पे सिक्सर चाहिए होता कोई मार देता है तो इतिहास बन जाता है लास्ट दो बॉल में बारह रन चाहिए होता है कोई मार देता है, इतिहास बन जाता लास्ट पांच बॉल पे पांच छक्के मारने थे और पांच के पांचों छक्के उसने मार दिए पहली बॉल पे उस दूसरा वाला जो था उमेश यादव वो सिंगल लेके शायद आ गया उसके बाद से रिंकू सिंह ने पांच छक्के मारे भाई साहब पांचों छक्का में से अगर एक भी मिस होता ना तो वो हार जाते मैच तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाया है वो पांचों छक्के भी दिखाए हैं ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहा है दोस्तों वो भी दिखाए हैं मैंने शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से मैंने आज आप लोगों को वो दिखाया क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी न्यूज लगी थी वो और वो इतिहास है वो एग्जाम में भी पूछा जाएगा आप लोगों के ठीक है एक बात समझ में आ रही है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन किया था दोस्तों अब मोदी जी ने दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई दोस्तों अभी बारहवीं वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों श्रीलं सिकंदराबाद से कहाँ तक गई है बताओ सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के कहाँ तक गई है बताओ तो दोस्तों जो है अगर हम लोग यहाँ पे देखें रिसेंट अवार्ड को तो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों असम वैभव सम्मान डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है जो कैंसर केयर के लिए मिला कैंसर के डॉक्टर है कैंसर के डॉक्टर को दोस्तों ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं और पक्षी विज्ञानी को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं जैसे एओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी ये प्रश्न एसएससी में बहुत पूछता है कि वो क्या थे वो एक पक्षी विज्ञानी थे एओ ह्यूम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अठारह में की थी पिछले साल भी असम का सर्वोच्च सम्मान एक कैंसर केयर के लिए ही मिला था वो मिला था रतन टाटा जी को रतन टाटा ने सात कैंसर हॉस्पिटल असम में बनवाए थे ठीक है बात समझ में आ रही है बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड दोस्तों जो है जलना और नागपुर पुलिस को मिला है दोस्तों बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड दोस्तों जलना और नागपुर पुलिस को मिला है ये याद रखिएगा अच्छा चलिए इस बार किस जगह की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया जो बेस्ट टुकड़ी होती है ना उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया जाता है ये अवार्ड इस बार किसको मिला है यहां पे दिव्या ने बता दिया हरियाणा पुलिस को मिला है पिछले साल तमिलनाडु पुलिस को मिला था इस बार हरियाणा पुलिस को मिला है ठीक है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दोस्तों यूएन हैबिटेट अवार्ड किसको मिला है जगा मिशन को मिला है दोस्तों वर्ल्ड हैबिटेट यानी कि जो है वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है, है दिवस दोस्तों जो जो है आवास देने की अच्छी योजनाएं होती हैं जो बढ़िया काम करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है जगह मिशन दोस्तों उड़ीसा के नवीन पटनायक जी चलाते हैं दोस्तों जिसमें वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जमीन देते हैं लैंड सर्टिफिकेट देते हैं और उन्हें पक्का मकान बना के देते हैं जगह मिशन जगह से दोस्तों जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की जगह है दोस्तों उड़ीसा के पूरी में और दोस्तों कालिया भी वहां पे प्यार से कहते हैं इसलिए उड़ीसा में कालिया स्कीम भी चलती है किसानों की उसी कालिया स्कीम उसी रायतु बंधु उसी रायतु भरोसा को देखते हुए केंद्र ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कि पीएम किसान योजना चलाई थी इसमें दो दो हजार रुपये हर चार चार महीने पे देते छह हजार ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए वेरी गुड तो दोस्तों यहां पे याद रखिएगा कि दोस्तों नेशनल साइंस डे इस बार जो मनाया गया है नेशनल साइंस डे दोस्तों इसकी जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग अब दोस्तों ये मनाया जाता है 28 फरवरी को 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि इसी दिन 1928 में प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी दोस्तों डॉक्टर सी वी रमन साहब ने डॉक्टर सी वी रमन साहब ने की थी दोस्तों ठीक है सी वी रमन साहब ने दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी दोस्तों और जिसकी वजह से दो साल बाद 1930 में उनको दोस्तों नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का और ऐसा पाने वाले वो पहले भारतीय थे जिन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था उन्नीस में गीतांजलि के लिए वो पहले भारतीय थे लेकिन फिजिक्स में पहले थे सीवी रमन और वो पहले भारत रत्न पुरस्कार विजेता भी थे पहले तीन भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के नाम बताइए तीनों तमिलनाडु के थे कुंदन ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल फरवरी को ही दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दोस्तों दिया जाता है किसको साइंटिस्टों को यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किन किस क्षेत्र से संबंधित है तो दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है वैज्ञानिकों को दिया जाता है विज्ञान दिवस के दिन दिया जाता है दोस्तों ठीक है साइंस डे तो हर डे का इंपॉर्टेंस याद रखिए दोस्तों जैसे मैथमेटिक्स डे रामानुजन जी के बर्थडे पर हम लोग 22 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस हम लोग दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर 23 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग सुशासन दिवस दोस्तों गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को अटल जी के बर्थडे पर मनाते हैं दोस्तों ग्यारह नवंबर को हम लोग दोस्तों शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थडे पर मनाते हैं पंद्रह अक्टूबर को स्टूडेंट्स डे हम लोग आ, अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन के बर्थडे पर मनाते हैं 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं एम विश्वेश्वरैया जी के बर्थडे पर 5 सितंबर को टीचर्स डे सरपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे चंद्र राय जी के बर्थडे पर तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस जो है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर ऐसे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों वो आपको याद रखने होंगे ठीक है दिव्या बता रही है, सी राजगोपालाचारी सी वी रमन और एस राधा कृष्णन इन तीनों लोगों को उन्नीस में भारत रत्न दिया गया था बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है यह या आपको याद रखना का उन्तीस जून को स्टेटिस्टिक्स डे स्टे हम लोग पीसी सी महलोनोबिस जी के बर्थडे पर मनाते हैं उनतीस अगस्त को खेल दिवस हम लोग मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर मनाते सब रटना पड़ेगा आप लोग को ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है मोनिका कह रही है सर अरे गूगल सर हमको मौका तो दीजिए अब गूगल सर तुम लोग को मौका नहीं दे रहे हैं चलो गूगल सर ने तुम लोग को मौका दिया अब तुम लोग बताओ अब तुम लोग बताओ पंद्रह जनवरी को आर्मी डे करियप्पा साहब उस दिन आ, पहले भारत के भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे चार दिसंबर को नेवी डे इसलिए मनाते उन्नीस में कराची पोर्ट को हमने तबाह किया था आठ अक्टूबर उन्नीस को दोस्तों एयरफोर्स की स्थापना हुई थी आठ अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं यही पीएम जो है यही मोनिका है पांच अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाने लगे हम लोग दोस्तों टी ट्वेंटी में सबसे तेज पंद्रह सौ रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो दोस्तों ये स्काई बन गए मिस्टर थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री दोस्तों सूर्य कुमार यादव फास्टेस्ट फिफ्टीन हंड्रेड रन टी ट्वेंटी में दोस्तों बना करके के इन्होंने इतिहास रचा था और दोस्तों ये वैसे भी ऐसा कजब का खेले थे कि एक इतिहास कहलाया था दोस्तों विश्व हिंदी दिवस हर साल दस जनवरी को मनाया जाता है चलो अच्छा अभी तक देश की बात हो रही थी अब आप लोग ये बताइए कि विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है अरे हमारे का राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये जो बता देगा मैं मान जाऊंगा कि वाह 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है एलिफेंट विस्परर तमिलनाडु की एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म थी और उनके दोनों हाथियों से और उन दोनों हाथियों को पालने वाले लोगों से मोदी जी कल मिलने गए थे बांदीपुर नेशनल पार्क में कर्नाटक में गए थे कल मोदी जी तमिल मूवी थी दोस्तों एलिफेंट विस्पर जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट्स का दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी सम्मिट इस बार की फिजी में हुई है यह भी याद रखिएगा फिजी में हुई है हर साल विश्व हिंदी सम्मेलन अलग अलग देशों में होती है ठीक है बात समझ में आ रही है वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों इस बार की थीम क्या है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ट्रेडिशनल पारंपरिक ज्ञान से अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब अम्मा को फोन करो एलेक्सा गाना लगाओ तो हिंदी में बोल रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं तो गूगल सीरी एलेक्सा ये काम कर दो तो ये हो रहा है कि नहीं चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों 10 जनवरी को क्यों मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस कौन बताएगा कोई नहीं बता रहा है कोई नहीं बता पा रहा है अब मैं बताता हूं दिवस पहली बार 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाना शुरू किया था ठीक है क्यों मनाना शुरू किया था क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में किया था इसलिए दोस्तों इस दिन को विश्व हिंदी सम्मेलन के विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया भारत सरकार ने लेकिन दोस्तों हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में दोस्तों जो है स्थान मिला था इसलिए मनाया जाता है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है मनमोहन सिंह आरबीआई के पंद्रहवें गवर्नर थे और भारत के प्रधानमंत्री थे और नई आर्थिक नीति के जनक थे ठीक है 1975 में इस दिन नागपुर ने पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किया था और अभी का विश्व विश्व हिंदी सम्मेलन इस साल का फिजी में हुआ है हर साल अलग अलग देश में होता है ओके okay? क्लियर है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने कोलकाता के कि जोका में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले उद्योग मंत्री थे अगर क्वेश्चन आएगा एक नारा लगता है ना जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है आज भारत का जो सबसे बड़ा टनल है वो जवाहर टनल नहीं है कश्मीर में वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया मतलब नाशरी चेनानी टनल उससे बड़ा टनल बन गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जवाहर टनल से ज्यादा बड़ा बन गया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है यानी अगर कभी पूछे कि भारत के नेहरू जी के कैबिनेट से पहला मंत्री कौन था आजाद भारत का जिसने रिजाइन किया था तो वो आंसर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि देश में आर्टिकल 370 नहीं चलेगा एक संविधान एक झंडा एक विधान एक संविधान एक प्रधान होना चाहिए पहले और पर्ची क्यों लगती है वीजा की तरह पर्ची लगती थी कश्मीर में एंट्री पे तो बोले कि पर्ची का भी उन्होंने विरोध किया परमिट का विरोध किया और बिना परमिट के पर्ची के वो गए कश्मीर में उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई पुलिस कस्टडी में इसीलिए वे नारा लगता है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और आर्टिकल 370 को हटा के उनको सम्मान दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से दोस्तों पोर्ट कहां पर है बंदरगाह कहां पर है कोलकाता में है ठीक है कोलकाता पोर्ट का नाम जब डेढ़ सौ साल उसकी एनिवर्सरी मना रहे थे तो उसका नाम दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया अब दोस्तों एसपीएम निवास भी उन्हीं के नाम से शुरू किया गया है वाटर और सेनिटेशन का नेशनल इंस्टीट्यूट वाटर और सेनिटेशन का नेशनल इंस्टीट्यूट दोस्तों कोलकाता के जोका में ओपन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा ठीक है क्लियर है सर तो मुखर्जी नगर भी उन्हीं के नाम है अब ये नहीं मालूम मुखर्जी नगर उनके नाम पे है कि नहीं हाँ मुखर्जी नगर का जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली मेट्रो का जी नगर वो जो है सिखों के गुरु गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर है जी नगर जी का मतलब गुरु तेग बहादुर ठीक है दोस्तों हार्वर्ड लॉ स्कूल यूएसए के लीगल प्रोफेशन सेंटर द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए किस मुख्य न्यायाधीश को नामित किया गया है तो दोस्तों हमारे देश के पचासवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल ने दोस्तों जो है लीडरशिप अवार्ड दिया है दोस्तों किसी भी चीफ जस्टिस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है कि वो किसी वो हाई कोर्ट के जज के रूप में दस साल बिताएगा तभी चीफ जस्टिस बनेगा तो दोस्तों ये दिल्ली जैसे बहुत सारे हाई कोर्ट के इलाहाबाद जैसे बहुत सारे हाई कोर्ट के जज रहे हैं चीफ जज रहे हैं अब दोस्तों ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के पचासवें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इनके फादर जो यशवंत चंद चूड़ थे वो 1978 से लेके पचासी तक शायद या सतासी तक कुछ ऐसे ही ये दोस्तों जज रहे हैं भारत के सबसे लंबे समय तक जज रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पिताजी का है सोलह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेरी गुड सचिन बहुत अच्छा तो दोस्तों ये सब ना स्टैटिक फैक्ट भी मैं बीच बीच में बताता रहता हूं इसलिए बहुत याद रखा करो भाई मेरी बातें जो है ना वो जो मैं एक्स्ट्रा में बताता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ हर क्लास में कि मैं जो लिख के लाता हूं वो तो आता है पर जो मैं एक्सा बताता हूं वो डेफिनेटली आता है तो दोस्तों इसलिए पेपर पे लेके बैठा कीजिए क्योंकि नोट कमाना है तो नोट करना होगा सीखना बंद तो जीतना बंद देर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो ठीक सीखो है सीखोगे पच्चीस हाईकोर्ट है सचिन बता रहे पच्चीसवा हाईकोर्ट जो है दोस्तों वो कौन सा है अमरावती वाला यानी कि आंध्र प्रदेश वाला ठीक है क्लियर है मेरा लेग कैसा है मेरा लेग एकदम अच्छा है मैं प्लास्टर बंधा हुआ है लेकिन मैं दौड़ रहा हूं उसी पे <laughs> कुछ नहीं है मैं मोच आई थी प्लास्टर अभी भी बंधा हुआ है पांच दिन प्लास्टर बांधे रहने को उसने बोला है <laughs> दोस्तों खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों दो तीन चीजें जो है एग्जाम में पूछती है एक वोल्केनो पूछता है दोस्तों ठीक है एक तो वोल्केनो पूछता है ठीक है ओके क्लियर है एक साइक्लोन पूछता है किस देश में आया किस देश का ज्वालामुखी फटा और किस देश में अंतरिक्ष अभियान हुए ये तीन चीज बस ध्यान रखो इंटरनेशनल न्यूज में बाकी तुम लोग को बैंक एसएससी वालों कुछ नहीं करना है बात समझ में आ रही है हाँ तो दोस्तों किलाउआ किलाउआ जो है दोस्तों हवाई में किलाउआ में मनाउआ करके कुछ इनकी पीएम ई एम रानी वानी भी जो है दोस्तों अभी डेथ हुआ था ना कुछ याद आ रहा है मुझे तो दोस्तों ये हवाई आइलैंड है अमेरिका का अमेरिका का एक राज्य है दोस्तों जॉर्जिया जिसने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव लाया है हिंदू फोबिया के खिलाफ दोस्तों क्या लाया है प्रस्ताव लाया है ओके क्लियर है याद रहेगा दोस्तों इस वर्ष पचहत्तरवा सेना दिवस जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों अभी जो है ये ट्रेंड आ गया है कि चाहे वो किसी भी सेना का दिवस हो अर्धसैनिक बल का दिवस हो वो दोस्तों किसी और जगह जो है मनाया जा रहा है किसी और जगह जो है वो मनाया जा रहा है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है इस वर्ष पचहत्तरवां सेना दिवस दोस्तों किस शहर में आयोजित किया गया तो यह दोस्तों जो है बेंगलोर में आयोजित किया गया कहां पर आयोजित किया गया बेंगलोर में आयोजित किया गया ठीक है तो यह भी अभी आपको ध्यान देना होगा भाई सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और जिस दिन करियप्पा साहब कमांडर इन चीफ बने थे जिस दिन करियप्पा साहब रिटायर हुए थे 14 तारीख को उस दिन दोस्तों वो मनाया जाता है क्या नाम है वेटरन्स डे तो याद रखिएगा 75वां सेना दिवस दोस्तों इस बार कहा मनाया गया है बेंगलोर में ओके क्लियर है तो दोस्तों जो है अब ये लोग राजधानी के बाहर मनाना शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों में जो है भारतीय सेना में आने का जोश पैदा हो सके भारतीय सेना में आने का जोश पैदा हो सके बात समझ में आ रही है क्लियर चलिए वेरी गुड दोस्तों जनवरी 2023 में जारी जो है पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे के अनुसार सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे पहला स्थान दिया गया अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे जो है दोस्तों जनवरी में जो रिलीज किया गया ना सर्विस सेक्टर में दोस्तों पहला रैंक जो है किसे दिया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को किसको दिया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को दिया गया ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों भारत ने अबई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में शांति सैनिकों की एक महिला मात्र पलटन भेजी है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन की पहली जो है कहा गई यार इंडिया ने भेजा है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर शांति सैनिकों में वीमेन ऑनली प्लेटून यानी इस पलटन में केवल महिलाएं हैं देखिए यूनाइटेड नेशन के जो शांति सैनिक होते हैं ना उसमें भारतीयों का सबसे ज्यादा जान जाता है ये ब्लू हेलमेट लगाए रहते हैं दोस्तों ये ब्लू टोपी जो है यूनाइटेड नेशन के शांति सैनिकों की पहचान है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता अगस्त 2021 में भारत ने की थी तो उसने यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी लाया था और अभी दिसंबर में जो की थी तो उसने कुछ फ्रेंड्स करके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करके कुछ जो है लाया था तो दोस्तों जो है ये कहां पर दोस्तों भेजी गई है केवल महिलाओं की पलटन तो ये अबेई में भेजी गई है कहाँ भेजी गई है अबेई में भेजी गई है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन में ही बहुत अच्छी चीजें हैं अब ये दूसरा है अब देखो इससे रिलेटेड ये दूसरी लाइन नहीं है दूसरी लाइन बिल्कुल अलग है दूसरी लाइन क्या है कि जो है इसी तरीके से एक बार जो है भारत से एक महिला को भेजा गया था शांति सैनिकों में जो कि यूनाइटेड नेशन की पहली पुलिस एडवाइजर बनी थी इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन की पहली पुलिस एडवाइजर बनी थी उसका नाम है किरण बेदी किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है इनके नाम से दिल्ली दूरदर्शन पे उड़ान नाम का सीरियल आता था मैं बहुत छोटा था मैं जी तो याद है अब तो कोई दूरदर्शन देखता ही नहीं उससे समय केवल दूरदर्शन ही आता था केबल टीवी तो था ही नहीं इनका नाम क्रेन बेदी रख दिया गया था जब ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी उठवा ली थी नो पार्किंग में से दिल्ली में सोचो इंदिरा गांधी से दुनिया डरती थी पाकिस्तान डरता था चाइना कापता था इन्होंने गाड़ी उठवा ली थी इनको फिर सम, वो इनाम भी मिला इनको इनाम क्या मिला इनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया तिहाड़ जेल का जेलर बना के कैदी बना के नहीं इन्होंने वहां पे कैदियों के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू किया उनका रोजी रोजगार बढ़ाया उनको योग साधना उनको अच्छी अच्छी हैबिट्स और उनका एकदम परिवर्तन कर दिया एकदम योगा -योगा में वो शांति से एकदम गुस्सा ठंडा हो गया उनका अच्छे आदमी अच्छे इंसान बनने लगे वो तो दोस्तों ऐसी ही वो अभी पुडुचेरी भेज दिया उनको पुडुचेरी में वो जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी इतना बवाल हो गया कि सब साउथ वाले एकजुट हो गए कांग्रेस बीजेपी एकजुट हो गया कि इनको हटाइए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से उनको हटाया गया फिर वहां पे चुनाव हुआ अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां की तमिलीसाई राजन ये बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ी थी केजरीवाल के साथ भी थी अन्ना आंदोलन में तो किरण बेदी की बुक आई थी पुडुचेरी में कैसे उन्होंने शासन चलाया उस बुक का नाम था फियरलेस गवर्नेंस और फियरलेस गवर्नेंस का साथ हिंदी वर्जन भी अभी आया था ठीक है तेईस तारीख को एग्जाम है आप लोगों का एकदम टेंशन मत लो ठीक है तो सबका प्री निकल गया क्या मैं तो देख रहा हूं कोई ये बोल ही नहीं रहा कि मेरा नहीं निकला अब 9000 वैकेंसी है तो प्री तो निकल ही जाएगा तो दोस्तों विमेन्स डे पर दोस्तों डॉक्टर फिर मेदी जो कि फर्स्ट वीमेन पुलिस एडवाइजर थी यूनाइटेड नेशन की उनके बारे में यहां पे लिखा भी हुआ है रेमन से अवार्ड जो एशिया का नोबेल प्राइज है यह भी इनको मिल चुका है दोस्तों आईसीसी पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर की विशेषता वाले अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन थ्री सिक्सटी डिग्री फिनेंशियल प्रोटेक्शन किस कंपनी के द्वारा चलाया जाता है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हो सकता है सूर्य कुमार यादव का नाम तुम बता दो हो सकता है तुम बता दो सूर्य कुमार यादव स्काई का नाम की थ्री सिक्सटी डिग्री तो इसी कहते हैं तो पूछ लेगा किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया तो आईसीसी पोडेंशियल ने लॉन्च किया है थ्री सिक्सटी डिग्री फिनेंशियल प्रोटेक्शन ठीक है क्लियर है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया आईसीआईसीआई में दोस्तों आईसीआईसी तो इंडियन कंपनी है संदीप बक्सीस के हेड है बैंक के पुडेंशियल विदेश कंपनी है विदेशी कंपनी है ठीक है तो आज देखो तो भारतीय एक्सा भारतीय इंडियन है एक्सा विदेशी है पीएनबी मेटलाइफ पीएनबी इंडियन है वो विदेशी है मेटलाइफ बजाज एलियांस बजाज इंडियन एलियांस विदेशी ऐसे दोस्तों जो है विदेशी कंपनियों को इंडिया में काम करने का मौका मिला क्योंकि एफ डी आई हंड्रेड परसेंट नहीं है तो किसी न किसी इंडियन कंपनी को उनको सहारा लेना पड़ता है एफ डी आई सेवेंटी फोर परसेंट कर दी गई है यानी कि अब कोई विदेशी कंपनी भी मालिक हो सकती है पहले तो फोर्टी नाइन ही था यानी विदेशी कंपनी मालिक भी नहीं हो सकती थी ठीक है बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त वेरी गुड दोस्तों अमित शाह जी ने मई मणिपुर में मोईरांग में दोस्तों जो है बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया आजाद हिंद फौज का मुख्यालय दोस्तों मणिपुर में था आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा की थी सिंगापुर में की थी ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में दोस्तों एक फीट ऊंचे तिरंगे का भी अनावरण वहां किया क्योंकि इंडिया में जो हेडक्वार्टर था वो मणिपुर में था मोईरांग में दोस्तों यहां पे इंफाल में दोस्तों इंफाल ईस्ट के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो की एक मूर्ति लगाई 122 फीट की दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था एल आई में आया था ये प्रश्न आप लोग के एल आई में आया था दोस्तों याद रखिएगा ओके क्लियर है वेरी गुड तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलो के खिलाड़ी की 122 फीट ऊंची मूर्ति कहां लगाई गई तो वहीं लगाई गई थी दोस्तों कोविड नाइनटीन के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पहला डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है तो दोस्तों पतंग राव कदम मेमोरियल अवार्ड दिया गया है आधार वाला को आदार वाला दोस्तों जो है ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और मालिक जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वो हैं साइरस पूनावाला उनके ये लड़के हैं साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला पद्म भूषण मिला था वो दुनिया के सबसे अमीर फार्मा के व्यक्ति हैं भारत के वो कौन से नंबर के दोस्तों व्यक्ति हैं अमीर में ये बताइए आप दोस्तों ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने कोविड 19 की जो है वैक्सीन बनाई थी दोस्तों कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका की मदद से दोस्तों इसके बाद इन्होंने न्यूमोकोकल वैक्सीन पीसीवी बनाई थी दोस्तों निमोनिया की पहली वैक्सीन ठीक है बात समझ में आ रही है निमोनिया की वैक्सीन बनाई पीसीवी और दोस्तों कौन सी वैक्सीन बनाई और इन्होंने दोस्तों सर्वाइकल कैंसर की महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर बहुत होता है उनके लिए वैक्सीन बनाई थी सर्व वैक करके सर्व वैक करके ठीक है चलिए दो वैक्सीन से दो क्वेश्चन पूछता हूं मैं एनिमल के ऊपर एक वैक्सीन बनाई गई थी वो उसका नाम क्या था और दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं एक नेजल वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम क्या है ठीक है क्लियर है सर एल आई सी इंश्योरेंस की क्लास कौन सी देखें वो बता दो जिए भाई प्यूसर चले जाओ प्ले लिस्ट ही प्ले लिस्ट मौजूद है उस चैनल पर जिए भाई प्यूसर चैनल पर एल आई सी एडी ओ की तीस क्लासेस मैंने पढ़ाई इंश्योरेंस अवेयरनेस की गेम चेंजर बैच के फिफ्टी एट लेक्चर्स है वो देखो रात को नौ बजे मैं सिक्स मंथ करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ वो देखो इतनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ देखो, देखो देख बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे चैनल पर सब मौजूद है तुम लोग के लिए तैयार कंटेंट है कुछ करना ही नहीं है बस पढ़ना है तुम लोगों को खेलो इंडिया यूथ गेम के पांचवे संस्करण के मस्कट का क्या नाम है दोस्तों जिसका अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी में किया तो दोस्तों आशा और मोगली नाम है आशा और मोगली और देखो कुछ लोग जो अभी भी मुगलों का जो है वो सिलेबस हटाया गया मुगलों का सिलेबस हटाया गया दोस्तों जो है कुछ लोग कह रहे थे कि बाबर को इतना पढ़ाया जाता है बाबर का कुल शासन ही चार पांच साल का रहा इससे ज्यादा शासन हमारे यहाँ एच डी देवगोड़ा और आई के गुजराल का रहा है लेकिन उनको नहीं पढ़ाया जाता और बाबर को इतना पढ़ाया जाता है इतना पढ़ाया जाता है तो जो है मुगलों के नाम पे मोगली का नाम रखा गया ये भी कह रहे थे कुछ लोग न्यूज डिबेट में बहुत हंसी आती है हमको बहुत हंसी आती है भाई साहब अच्छा मुगलों का नाम मुगल कैसे पड़ा मंगोल की तरफ से आए थे इसलिए इनका नाम मुगल पड़ा था बात समझ में आ रही है दोस्तों एक क्वेश्चन अभी एल आई में पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम में स्पॉन्सर बैंक कौन सा है एस बी आई स्पॉन्सर बैंक एस बी आई खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों भोपाल में हुआ है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो दोस्तों यूपी में होगा ये तो एमपी में हो गया यू यूनिवर्सिटी uh, वाला गेम इस बार यूपी में होगा ठीक है बात समझ में आ रही है वेरी गुड बहुत बढ़िया एसबीआई के पास चौदह आर है वेरी गुड सिद्धार्थ सैनी वेरी गुड तो दोस्तों फीमेल चीता आशा जो है वो मस्कट है क्योंकि भाई इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है चीता दोस्तों अभी आए भी एक चीते ने जो है बच्चा भी दिया है दोस्तों चीता दोस्तों जो, जो है कब एक्सटिंक्ट हुआ था विलुप्त हुआ था यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है जो है चीता कब विलुप्त हुआ था 1952 में उन्नीस में उन्नीस में, में आखिरी चीता मारा गया था और उन्नीस में उसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है ओके okay. चलो बहुत बढ़िया दोस्तों पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेहमटन ई उडवाडिया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का जनवरी में निधन हो गया उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब कोई ऐसा व्यक्ति मर जाए जो किसी चीज का फादर हो तो और इंडियन हो तो समझ जाओ कि एग्जाम का तो एक नंबर हमको मिल गया अब ये किसी भी एग्जाम में एक नंबर हमारा बनेगा ये हमको नहीं पता किस में बनेगा जैसे अभी पद्म विभूषण मिला था दिलीप महालोनोबिस को मरने के बाद वो दोस्तों ओ आर एस घोल जो बच्चों को पिलाते हैं जो इलेक्ट्रॉल पीते हो तुम लोग वो भी डब्ल्यू एच ओ ओ आर एस का ही घोल है ओरल रिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन सिस्टम डिहाइड्रेशन हो जाता है तो रिहाइड्रेशन आपके लिए वो पीते हैं उसके जनक ओ के जनक दोस्तों वो थे बालकृष्ण दोषी जिन्हें प्रिजगर प्राइज मिला था आर्किटेक्ट का वो मर गए थे उनका दोस्तों उन्हें पद्म विभूषण दिया गया तो टोटल छः लोग को पद्म विभूषण दिया गया था एक मैथमेटिशियन थे दोस्तों अमेरिका के उनको दिया गया था तो कम से कम उन छः पद्म विभूषण पाने वाले लोगों की बायोग्राफी पढ़ लिया करो उसके बाद ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है अब आजकल उसके जो जनक हैं दोस्तों टेहम्पटन ई उडवाडिया इनका नाम याद रख लो टेहम्पटन ई उडवाडिया अब नाम ऐसा है कि हम ही को नहीं याद होता है तुम्हें कहाँ से याद होगा तो 2017 में इन्होंने दोस्तों पद्म भूषण मिला था टेहम्पटन ई उडवाडिया ठीक है क्लियर है सलीम दुर्रानी तो क्रिकेटर थे उन्हें पद्म विभूषण नहीं मिला था दोस्तों न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है तो एस एस राजा मौली ने जीता है ट्रिपल आर मूवी के लिए दोस्तों और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इन्होंने ऑस्कर में जीता है एम एम किरवनी और चंद्रशेखर बोस ने दोस्तों जो है जाकर के वो अवार्ड ग्रहण किया क्योंकि तो चंद्रशेखर बोस जो है लिरिसिस्ट थे उस गाने को लिखा था वैसे गाया था काल भैरव ने और राहुल सिपलीगंज ने ये नाटू नाटू गाना तेलुगु गाना था दोस्तों इसे गोल्डन ग्लोब भी मिला था इसे पहले गोल्डन ग्लोब मिला दोस्तों उसके बाद दोस्तों इसे जो है ऑस्कर भी मिला नाटू नाटू गाने को तो ये तेलुगु सॉन्ग है और इसके साथ एक तमिल फिल्म थी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स का अवार्ड जो ले गई दोस्तों अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है तो पहली बार महिला सिख जज बनी है दोस्तों अमेरिका में मनप्रीत मोनिका सिंह क्या नाम है मेरे भाई मनप्रीत मोनिका सिंह इनका नाम है क्या नाम है मेरे दोस्त मनप्रीत मोनिका सिंह दोस्तों इनका नाम है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया पीएम बोल रहे हैं सर एलिफेंट विस्परर कृतिकी गुंजालविस है वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट बहुत याद रखना डॉक्यूमेंट्री नहीं है केवल ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स डॉक्यूमेंट्री के नॉमिनेशन में तो ऑल दैट ब्रेथ गई थी सोनक सेन की वो थी डॉक्यूमेंट्री वो हार गई नॉमिनेशन तक गई थी वो ठीक है दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने क्लब के आधिकारिक मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क पार्टनर के तौर पर जियो प्लेटफॉर्म के साथ करार किया यह मैनचेस्टर तो सिटी इसने जियो को अपना पार्टनर बनाया है कम्युनिकेशन नेटवर्क पार्टनर रीजनल पार्टनरशिप किया है दोस्तों हेड कौन है दोस्तों तो जियो के हेड हैं आकाश अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी के बड़े वाले लड़के ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है वेरी गुड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दोस्तों जो है यूपी ने किया और साढ़े तैतीस लाख करोड़ रुपए दोस्तों जुटाए ठीक है।, है दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड किसने जीता है तो ई नोर्टल पोर्टल दोस्तों जैसे कि किसानों की मंडी होती है जहां पे वो फसल बेचते हैं ट्रक ट्रैक्टर ले जाकर के फसल बेचते हैं अपने ना ये ई e नाम मंडी जो है ये ऑनलाइन मंडी है इलेक्ट्रॉनिक मंडी है ई e नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ठीक है मार्केट प्लेस ई नाम पोर्टल ओके इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ठीक है ये ई नाम का फॉर्म भी याद रखिएगा ओके इसको जो है दोस्तों जो है अवार्ड मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्लेटिनम अवार्ड ठीक है किसानों के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत 20 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए तो दोस्तों जो है 12 लाए गए दोस्तों एक तो 17 सितंबर को लाए गए थे 17 सितंबर को मोदी जी के बर्थडे पर लाए गए थे अफ्रीका से नमीबिया से वो आठ चीते थे इस बार बारह लाए गए उस आठ में पांच फीमेल थी एक मर गई एक ने बच्चे दे दिए तो बढ़ भी गए पचहत्तर साल के बाद पहली बार बच्चे दिए चीते ने इंडिया में और आठ उस समय आए, बारह इस समय आए और चीता धीरे धीरे भारत में अगर डेवलप कर गया तो बहुत अच्छी बात है अब मोदी जी जहां ध्यान दे रहे हैं तो वहां तो डेवलप करेगा ही पूरा फोर्स लगा दिए हैं अब दोस्तों जो है यहां पे कूनो नेशनल पार्क जो एमपी का है उसमें सारे चीता है तो सबसे ज्यादा चीता भी एमपी में सबसे ज्यादा लेपर्ड भी एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर भी एमपी में अ सेव टाइगर प्रोग्राम में कल मोदी जी ने बताया कि कुछ तीन हजार से ऊपर या इकतीस सौ बत्तीस कुछ बताया था कि उतने ची हमारे देश में टाइगर हो गए 1973 में टाइगर को नेशनल एनिमल घोषित किया गया था कल परसों शाम के जीएस वाली क्लास में मैंने सारे नेशनल सिंबल के साइंटिफिक नेम और किसको किस नेशनल सिंबल को कब जो है जोड़ा गया था हमारे संविधान में ये सब मैंने बताया था कि राष्ट्रीय पक्षी मोर कब जुड़ा राष्ट्रीय नदी गंगा कब जुड़ी राष्ट्रीय जली जीव डॉल्फिन कब जुड़ा राष्ट्रीय पशु कब जुड़ा टाइगर राष्ट्रीय धरोहर पशु एशियाटिक एलिफेंट एक एक सिंबल का मैंने तुम्हें जो है बड़ा पोस्टमार्टम किया था कि वो चार जानवर कौन से हैं नेशनल सिंबल में सत्यमेव जयते के बारे में वंदे मातरम संस्कृत फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जनगण मन का पांच स्टेंजा में से एक स्टेंजा है ना बावन सेकेंड और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी मूल भाषा और सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी तिरंगे का अनुपात और उसमें हर कलर का मतलब और किस दिन हुआ और सब चीज मैंने कर, परसों शाम को जो छह बजे जी के जी एस की मैं पोस्टमार्टम करता हूँ उसमें सब मैंने सैटरडे को पढ़ाया था है ना निधि यादव कह रहे सर जी वाराणसी की पावन धरती से आपको प्रणाम मैं भी आपको वाराणसी के पावन धरती से प्रणाम कर रहा हूँ काशी के पावन धरती से प्रणाम कर रहा हूँ मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से प्रणाम कर रहा हूँ ठीक है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों वनडे क्रिकेट में घर में सबसे ज्यादा शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी किसने कर ली है दोस्तों तो ये कर ली है विराट कोहली ने किसने कर ली है मेरे भाई विराट कोहली ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है दोस्तों याद रखिएगा ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो 20 शतक जो तो जो है कोहली ने लगा के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी ओके घर में घर में घर में मतलब होम ग्राउंड पे ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों किस जो है सरकारी बैंक को श्रीलंका के तीन बैंकों के वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की मंजूरी मिली है दोस्तों वॉस्ट्रो अकाउंट किसको कहते हैं जब कोई विदेशी देश का बैंक भारत में आके रुपए में अकाउंट खोले क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब रुपए में कर सकता है डॉलर में करने की जरूरत नहीं है तो उस देश के बैंकों को हमारे यहां वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना होगा तो हमारे यहां किस बैंक में ओपन करना है श्रीलंका वालों को उस बैंक का नाम है इंडियन बैंक लेकिन दोस्तों अभी रशिया के नौ बैंकों ने ओपन किया है भारत में अट्ठारह देशों को अनुमति दे दी है रुपए में ट्रांजेक्शन करने की तो दोस्तों रशिया में जो पहला बैंक था गैसप्रोम बैंक उसने यूको बैंक में ओपन किया था और श्रीलंका वाले बैंक इसमें कर रहे हैं इंडियन बैंक में कर रहे हैं आर ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ये बहुत बड़ा बदलाव किया है फेमा एक्ट 1999 में और इससे डॉलर थोड़ा कमजोर होगा रुपया थोड़ा मजबूत होगा रुपये की थोड़ी डिमांड बढ़ेगी ओके गी। क्लियर है बात समझ में आ रही है इंडियन नाम वाले बैंक दिल्ली में नहीं होते हैं इंडियन नाम वाले बैंक चेन्नई में होते हैं पंजाब नाम वाले बैंक दिल्ली में होते हैं इंडिया जिसके आखिरी में आता है वो मुंबई में आता है अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो होगा मैं समझाता हूँ पंजाब वाले दिल्ली में यानी पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली और पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली इंडियन वाले चेन्नई में जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई और इंडियन बैंक चेन्नई इंडिया वाले मुंबई में जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब मुंबई में ठीक है ओके okay. चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त और वॉस्ट्रो अकाउंट तो इसको कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट किसको कहते हैं अगर इंडिया का कोई बैंक जाके विदेश में रशिया में जाके रूबल करेंसी में वहां के बैंक में अकाउंट खोले तो वो कहलाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट और अगर रशिया का बैंक यहां आके खोल रहा है यूको बैंक में तो वो वॉस्ट्रो कहलाएगा बात समझ में आ रही है क्लियर है सर जी आर बैंक करेंसी नोट छापता है तो क्या करें छापने दो कुछ हमको दे रहा है छाप के हम लोग तो नहीं छाप रहे आर जो नोट छापता है उसका अधिकार उसको मिलता है सेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर से आर बी आई चौबीस जो है दस हजार तक का नोट छाप सकता है ये उसको धारा चौबीस से यानी सेक्शन ट्वेंटी फोर से अधिकार मिलता है ठीक है आर बी आई एक रुपए को छोड़ के सब नोट छाप सकता है एक रुपए का छोट भारत सरकार छापती है और सभी सिक्के भारत सरकार छापती है एक रुपए के नोट पे नहीं लिखा तो मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं सा, बाकी सारे नोट पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है लेकिन एक रुपए के नोट पे वित्त सचिव फिनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है ठीक है याद रखिएगा ठीक है हैदराबाद नोएडा में नहीं जो है कि नोट छपते हैं नोट छपते नासिक देवास मैसूर साल फार्मूला ई रेस कार भारत में पहली बार कहां आयोजित की जा रही है दोस्तों ये की जा रही है, है हैदराबाद में हैदराबाद नोएडा मुंबई और कोलकाता में सिक्के बनते हैं टक्साल है इंडिया गवर्नमेंट मिंट है ठीक है बात समझ में आ रही है हैदराबाद मुसी नदी के किनारे है वेरी गुड बहुत बढ़िया हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी कहते हैं वर्ल्ड ट्री सिटी कहते हैं फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ शुरू की गई है सबसे बड़ा मियावाकी वन यहाँ पे है सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी पाक कला व्यंजन का हैदराबादी हलीम बेस्ट जीआई टैग फूड कैटेगरी में हैदराबादी बिरयानी सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया जाने वाला फूड ठीक है क्लियर है याद रहेगा वेरी गुड दोस्तों जो नोट का कागज होता है वो कॉटन से बना होता है कपास से ये सब मैं टॉपिक जो बता रहा हूं तुम को एग्जामिनेशन पॉइंट बोल रहा हूं लिखने के लिए और वो बनता लोगाबाद में जिस होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया एमपी में उस्मानाबाद का नाम धारा शिव कर दिया गया महाराष्ट्र में संभाजी नगर कर दिया गया औरंगाबाद का नाम जहां जनता एलोरा की गुफाएं हैं जहां कैलाश मंदिर है वही कैलाश मंदिर बीस रुपए के नए वाले नोट पर है ठीक है सर एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर टॉप पर है तो दोस्तों जो है यहां पे चेन्नई जो है टॉप पर है ठीक है चेन्नई पहले नंबर पे है पुणे दूसरे नंबर पे है तीसरे पे बेंगलोर है ठीक है चौथे पे हैदराबाद है पांचवे पे मुंबई है और सबसे बुरे वाले तो ये रहे सबसे बुरी स्थिति है लखनऊ की महिलाओं को नौकरी नहीं देते हैं झारखंड रांची आसाम गुवाहाटी बिहार पटना धनबाद जबकि ये गलत है मालूम है आजकल YouTube पे क्या चल रहा है जैसे कि टीचरों की वैकेंसी आती है तो जो है या रीजनिंग का कोई फीमेल टीचर है क्या इंग्लिश का कोई फीमेल टीचर है क्या जी ए जी के कोई फीमेल टीचर है क्या मैं 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 जो है बड़ा ताज्जुब करता हूं उन ग्रुप्स पे मैसेज आते मैं कहता हूं भाई बच्चों को फिजिक्स पढ़ना है रीजनिंग पढ़नी है मैथ पढ़ना है जी ए पढ़ना है इंग्लिश पढ़ना है फीमेल टीचर का क्या मतलब है ये कौन सी क्राइटेरिया है फीमेल टीचर तो इसकी वजह है आप लोग जो ठरकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि लड़की से पता नहीं क्या पढ़ना चाहते हूँ अरे भाई तुम्हें सिलेक्शन लेना है कि एक ही चीज़ में डबल मजा लेना है मतलब लड़की देखने के लिए उनको लड़की भी दिख जाए और पढ़ाई भी हो जाए क्योंकि लड़की देखने के लिए अलग वीडियो देखेंगे पढ़ाई करने के लिए अलग वीडियो देखेंगे तो फिर इसीलिए जो है अब आजकल कंपनी वाले लड़की और उसमें भी उनके भी गंदे गंदे कमेंट निकाल करके वायरल चलाते हैं रील्स चलाते हैं अब आजकल यूट्यूब भी एक धंधा हो गया है सेलेक्शन से मैंने तो कई चैनल पे काम किया है कभी भी रिजल्ट वाले दिन टीचरों को कभी अप्रिशिएशन किसी चैनल में नहीं किया जाता है कि तुमने बहुत सिलेक्शन दी है सबको इस बात का अप्रिशिएशन दिया जाता है कि तुम बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेके आए सेलेक्शन देने वाले टीचर की कोई वैल्यू नहीं है इस इंडस्ट्री में बच्चे वैल्यू करते हैं लेकिन कंपनी नहीं वैल्यू करती है कंपनी ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं चलाती कि जिसने बहुत अच्छा सेलेक्शन दिया है इस टीचर को सम्मानित किया जाए क्योंकि उनका फोकस ही नहीं है सिलेक्शन पे आप बता दो जिस तरीके से पेड बैच खत्म किए जाते हैं यूट्यूब पे तुम लोगों के क्या वो सिलेक्शन बेस्ड है जिस तरीके से यूट्यूब पे तुम्हें पढ़ाया जाता है क्या सारे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं केवल व्यूज वाले चैप्टर पढ़ाए जाते हैं तुम खुद बताओ केवल व्यूज वाले चैप्टर पढ़ाए जाते तो कंपनियों का फोकस अलग रेवेन्यू कमाने का होता है फिर टीचर बेचारा जो है परेशान रहता है तो फिर वैसे ही वो अपना चैनल खोलता है कि यार हम तो सिलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं बच्चे सिलेक्शन चाहिए कंपनी का फोकस अलग है तो दोस्तों जो है याद रखिए ठीक है थीके? दोस्तों हाल ही में रिवॉल्यूशनरी बुक किसने लिखी है रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशनरी बुक दोस्तों भारत के फ्रीडम फाइटर्स पर लिखी गई है यह बुक संजीव सान्याल ने लिखी है दोस्तों संजीव सान्याल हमारे देश के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है ठीक है बात समझ में आ रही है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले पेश करते हैं वो अलग है उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। अभी सी रंगराजन कमेटी आपने बहुत सुनी होगी पढ़ते समय सी रंगराजन साहब आरबीआई के गवर्नर है इन्होंने अभी एक बुक लिखी थी फोक्स इन द रोड फोक्स इन द रोड बात समझ में आ रही है क्लियर है तो ये बात याद रखिएगा फोक्स इन द रोड और माई डेज विथ आरबीआई ऐसे करके था और वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था साइंटिफिक एडवाइजर है हमारे अजय सूद बिल्कुल सही एशिया की रिपोर्ट के पिछले साल भारत ने जापान को पीछे करके वाहन बिक्री के मामले में दोस्तों थर्ड पोजीशन पे पहुंच गए किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे पे थर्ड पहुंच गए ठीक है भारत में डिलीवर किए गए वाहनों की संख्या इकतालीस दशमलव तीन लाख है जापान को पीछे कर दिया भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए अब क्या चाहिए बताओ दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से कौन जुड़ना चाह रहा है या मोदी जी बहुत जोड़ना चाह रहे हैं किसको कहां से जोड़ना चाह रहे को उत्तर पूर्व भारत से जोड़ना चाह रहे ठीक है, है? तमिलनाडु से दोस्तों इन्होंने काशी को जोड़ा था ताकि उत्तर के जो है संस्कृति को जोड़ा जा सके क्योंकि भाई तमिलनाडु वाले जो है इधर यूपी बिहार मजदूरों को बहुत मारते हैं अब खाली बोला जाता है बिहारी मजदूर लेकिन वो पूरा नॉर्थ इंडिया के अगर आप हिंदी बोल दिए तो बहुत मार मारते हैं हिंदी वाले बोल के मारते हैं तो तमिल मानी कि साउथ इंडिया को उत्तर भारत से कल्चर वाइज जोड़ा जा रहा है कि भाई हम लोग एक हैं अलग अलग क्यों अपने आप को फील कर रहे हो ताकि भाजपा जो है साउथ में भी राज करे पहले संस्कृति जुटेगी तब तो जो है वो भी घुसेंगे तो ये संस्कृति जोड़ा जा रहा है वो लोग अपने आप तो को जो अलग तो नॉर्थ ईस्ट को साउथ से जोड़ना और हर आपस में कल्चरों को जोड़ने के लिए ये भारत सरकार का ये है कि हम लोग भारत में ही हैं और एक दूसरे के कल्चर को नहीं जानते दोस्तों पत्रकार कौन है जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है रोलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग दोस्तों ये बुक किसने लिखी तमाल बंदोपाध्याय ने तमाल बंदोपाध्याय की पिछली बुक बहुत एग्जाम में पूछी गई थी पैंडोमोनियम करके था पेंडोमोनियम ऐसे करके था पेंडोमोनियम का मतलब होता उथल पुथल चाओस की स्थिति पेंडेमोनियम कुछ ऐसे ही करके था पेंडेमोनियम ये बुक थी उनकी वो भी ग्रेट बैंकिंग ट्रेजिडी पर थी तो पेंडेमोनियम द ग्रेट बैंकिंग ट्रेजिडी ये बुक भी तमाल बंदोपाध्याय ने लिखी थी और ये रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग ये भी दोस्तों तमाल बंदोपाध्याय ने ही लिखी है ठीक है क्लियर है तो याद रखिएगा ओके चलो दोस्तों तो आज के लिए सेशन दोस्तों इतना ही रखते हैं कल फिर मिलेंगे ग्यारह बजे इसी चैनल पर दोस्तों वैसे मेरी सुबह 6 बजे भी क्लास होती है डेली करंट अफेयर की वो होती है दोस्तों जीए बाई प्यूसर चैनल पर शाम को छः बजे होती है जीएस क्लास जीए बाई प्यूसर चैनल पे रात को नौ बजे होती है बेस्ट टू हंड्रेड वाली क्लास जीए बाई प्यूसर चैनल पे तो जो लोग भाई अभी तक नहीं वो लोग जीए बाई प्यूसर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ठीक है ओके ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो मैंने देखी लाइव चैट में आपको हेलो भी लिख दिया है ओके okay, वहाँ से आप लोग हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं डायरेक्ट ओके okay? चलिए ओके okay, बाय बाय खुश रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो बाय बाय टेक केयर लव यू